फैक्ट या फिक्शन, तथ्य या केवल महज एक कल्पना। आज के इस इंफॉर्मेशन क्रांति के युग में, जब इंटरनेट का बोलबाला है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया हर तरफ से घिरे हुए हैं हम जानकारियों से, तो ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि क्या फैक्ट है, क्या सच है और क्या फिक्शन है, क्या महज एक अफवाह है, एक कल्पना है। लेकिन इस उहापोह में कुछ ऐसी दुर्लभ घटनाएं होती हैं जिन्हें हम सिर्फ फिल्मों, उपन्यासों और सोशल मीडिया पर चलने वाली वायरल वीडियोस में देखते हैं और सोचते हैं कि ये महज फेक न्यूज है, लेकिन ये असलियत होती है। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसी दुर्लभ घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे, कुछ ऐसे दुर्लभ इंसिडेंट्स के बारे में आपको बताएंगे जो लगते तो बड़े फेक है, बड़े अफवाह किस्म की लगती हैं, लेकिन है असलियत, ये सच में हुई है। तो ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत सी इंटरेस्टिंग क्लिप्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी जो शायद आपने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ फिल्मों में ही देखी होगी, सिर्फ किसी कहानी में ही सुनी होगी। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हीरोइक लैंडिंग ऑफ अ प्लेन। मूवीज में अक्सर हम देखते हैं कि कैप्टन को गोली लग जाती है, या कैप्टन बड़ी परेशानी में होता है, या कैप्टन मर जाता है और उसके सहायक अटेंडेंट को भी कुछ हो जाता है, और तभी यात्रियों में से एक बहादुर शख्स निकल के आता है और वो प्लेन को हवा आसमान से सीधा सीधा लैंड करा के सब लोगों की जान बचा लेता है। ये आपने बहुत सारी मूवीज में, बहुत सारे टीवी सीरियल्स में, बहुत सारी उपन्यासों और कहानियों में सुना होगा, लेकिन क्या ऐसा असलियत में संभव है? चलिए जरा तथ्यों को परख लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, आप जानते ही हैं कि जो प्लेन को उड़ाने का जो एक कोर्स होता है, जो ट्रेनिंग दी जाती है एरोनॉटिकल इंजीनियर्स को और पायलट्स को कि किस तरीके से प्लेन को उड़ाया जाता है, उसके पहले एक सिमुलेशन प्रोग्राम चला जाता है। सिमुलेशन प्रोग्राम एक वीडियो गेम की तरह होता है, लेकिन फर्क इसमें ये होता है कि इन्हें जो जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है उन पायलट्स को एक कॉकपिट दी जाती है। वो कॉकपिट बिल्कुल हूबहू हवाई जहाज के जो कॉकपिट होती है उसकी जैसी ही दिखती है, उसमें वैसे ही कंट्रोल्स होते हैं जैसे कि ओरिजिनल एरोप्लेन्स में होते हैं। उसके बाद उन्हें पूरा फ्लाइट सिमुलेशन चलाकर पूरा आभास दिलाया जाता है कि वो सच में एक प्लेन उड़ा रहे हैं, और बिल्कुल सही फिजिक्स इंजन के तहत ये बताया जाता है किस तरीके से प्लेन उड़ेगा, किस तरीके से लैंड करेगा। वो सारा काम सिमुलेशन प्रोग्राम के थ्रू होता है। इसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स की जबरदस्त मदद दी जाती है। तो जब ऐसा एक टेस्ट किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया और आम लोगों को दिया गया ये कोर्स सिमुलेशन प्रोग्राम में कि वो प्लेन को लैंड कराएं, तो पाया गया कि 100 में से एक भी शख्स, हम बात कर रहे हैं आम लोगों की, 100 आम लोगों में से एक भी शख्स प्लेन को कभी भी जो लैंडिंग स्ट्रिप होती है, जो हवाई पट्टी होती है, उस पर सही तरीके से नहीं उतार पाया। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि ये कभी संभव ही नहीं हो सकता कि कोई आम आदमी, वो भी एकदम प्रेशर और क्राइसिस सिचुएशन में, जब कोई बहुत बड़ी आपदा होने वाली ऐसी स्थिति में, बड़े शांति के साथ में एक प्लेन को बिना अनुभव के हवाई पट्टी पर उतार दे। तो आपको लग रहा होगा ऐसा नहीं हो सकता, राइट? लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि ऐसा हो चुका है। जी हाँ, अब उस घटना के बारे में सुनिए जब ऐसा हुआ। बात 2012 की है। 80 साल की हेलन कॉलिंस को अपना प्लेन खुद लैंड कराना पड़ा था। जी हाँ, जब प्लेन उड़ाते वक्त उनके पति बेहोश हो गए थे। उस प्लेन में वो और उनके पति ही सवार थे और उनके पति पायलट थे और वो उड़ा रहे थे उस प्लेन को। लेकिन जब उनके पति बेहोश हो गए तो तुरंत हेलन कॉलिंस, जो कि 80 साल की हैं, उन्हें जिन्हें बिल्कुल भी अनुभव नहीं था प्लेन किस तरीके से उड़ाया जाता है, उन्होंने सही तरीके से प्लेन को लैंड कराया था। उसी तरीके से दूसरी घटना इंग्लैंड की है। जब 2013 में एक छोटे प्लेन का पायलट बेहोश हो गया था, तब उसमें बैठे एक यात्री ने उस प्लेन को एयर फ्लाइट कंट्रोल के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उस प्लेन को उतारा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर किसी को प्लेन लैंड करना है तो उसे थोड़ा बहुत तो इसकी जानकारी होनी जरूरी है, लेकिन जिसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उसके लिए प्लेन लैंड कराना लगभग नामुमकिन है। लेकिन ऐसा हो चुका है जब एक आम यात्री ने एक प्लेन को लैंड कराया बिना किसी फ्लाइट एक्सपीरियंस के। तो ये हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। हैंडकफ्स एंड बॉबी पिन। आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा और टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि कैसे एक छोटे से पिन से ये जो अपराधी होते हैं वो अपने हैंडकफ्स यानी कि अपनी हथकड़ियां खोल लेते हैं। लेकिन चलिए जानते हैं क्या ये संभव है। एक शोधकर्ताओं के समूह ने इस पर शोध करने की सोची। उन्होंने कुछ लोगों को हथकड़ियां पहनाई और एक पिन दिया ताकि वो इसे खोलने का प्रयास कर सके। इसके लिए उन्हें सिर्फ 5 मिनट का समय दिया गया। आप हैरान हो जाएंगे कि कुछ लोगों ने उस हथकड़ी को खोल लिया। असल में इसका विज्ञान बहुत ही आसान है जो हर हथकड़ी में काम करता है। जब एक पिन को हथकड़ी के अंदर डाला जाता है तब वो पिन उस हथकड़ी में लगे रैशेट को हटा देता है और कफ होल्डर रिलीज हो जाता है,
जिस कारण से हथकड़ी खुल सकती है, तो ये सत्य बात है कि एक पिन से हथकड़ी खोली जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। पौधों से बात करना। आपने सुना होगा कि पौधे हर चीज को महसूस कर सकते हैं। ये हम सब सुनते आए हैं कि पौधों में भी जान होती है, वो भी सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम निर्दयी मनुष्य उन्हें काट देते हैं, उनके फल तोड़ लेते हैं, उनके साथ निर्ममता करते हैं। चलिए जानते हैं इसका राज क्या है। उनका विकास आसपास के वातावरण के हिसाब से होता है। ऐसे भी कई सारे रिसर्च सामने आए कि आसपास का वातावरण अगर अच्छा होगा तो पेड़ पौधों में ग्रोथ अच्छी होती है। कई लोग ये मानते हैं कि अगर आप पौधों से बातें करेंगे या उन्हें अच्छे गाने सुनाएंगे तो उनकी वृद्धि जल्दी होती है, यानी कि उनकी ग्रोथ जल्दी होगी। इस चीज को परखने के लिए एक परीक्षण किया गया जिसमें 7 ग्रीन हाउसेस बनाए गए और उसमें एक ही तरह के पौधों को रखा गया। कुछ ग्रीन हाउसेस में रॉक म्यूजिक बजाया गया, आप सब जानते ही होंगे रॉक म्यूजिक किस तरह का होता है ना, और कुछ में क्लासिकल गाने बजाए गए। कुछ ग्रीन हाउसेस में लोगों को भेजा गया और उनसे कहा गया कि वे पौधों से प्यार से बातें करें, प्यार भरी बातें करें, और कुछ लोगों को दूसरे ग्रीन हाउसेस में भेजा गया जहां उन्हें कहा गया कि वो पौधों से डांट डपट कर और चिल्ला कर बातें करें। आप यकीन नहीं करेंगे क्या हुआ। ये देखा गया कि जिस ग्रीन हाउस में रॉक म्यूजिक और क्लासिकल म्यूजिक बज रहा था उनका विकास बाकी पौधों की तुलना में बहुत बढ़िया था। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि गानों से, म्यूजिक से अच्छी तरंगें पैदा होती हैं जिन्हें पौधे महसूस कर सकते हैं और उनकी वृद्धि तेज हो जाती है। साथ ही ये भी ज्ञात किया गया कि जिन पौधों के सामने लोग चिल्ला रहे थे, डांट डपट कर रहे थे, उन पौधों की ग्रोथ कम हुई। जी हाँ, मतलब पौधे सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। गोलियों को हवा में कर्व कर देना, यानी कि घुमा देना। आपने 2008 में बनी एंजेलिना जोली की वो मूवी तो जरूर देखी होगी जिसमें अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने कुछ इस तरह से बुलेट फायर करी थी कि वो बुलेट गोल चक्कर लगाते हुए राउंड टेबल में बैठे सभी लोगों को मार डालती है और साथ में एंजेलिना भी मर जाती है क्योंकि वो भी इस राउंड टेबल में बैठी हुई थी। देखने में तो ये सीन काफी अच्छा लगता है, लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है? इसे आजमाने के लिए कुछ लोगों ने इसे करने की सोची कि क्या वाकई में बुलेट को हवा में बेंड किया जा सकता है, एयर बेंडिंग की जा सकती है बुलेट की हवा में। कुल 7 लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की बुलेट को फायर करते हुए बेंड करने की, लेकिन बुलेट हमेशा सीधी ही फायर हुई। उसके बाद इसे एक रोबोटिक हाथ की मदद से आजमाया गया, लेकिन यहां भी नाकामयाबी ही मिली और बुलेट सीधी ही फायर हुई, और इससे साबित हुआ कि ऐसा असलियत में नहीं हो सकता। इस मूवी में एक चीज और दिखाई गई कि एक ही बुलेट से कई लोग मारे जाते हैं, पर ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि बुलेट एक बार अगर किसी चीज से टकरा जाती है तो वो अपनी एनर्जी और स्पीड खो देती है और आगे नहीं बढ़ पाती। आगे बढ़ते हैं। सिंकिंग अ शिप, यानी कि जहाज को डुबाना। आपने टाइटैनिक मूवी तो देखी होगी जिसमें डूबते हुए जहाज से यात्री दूर तैरना शुरू कर देते हैं, लेकिन डूबते हुए जहाज से दूर भागना आखिर क्यों जरूरी है? ऐसा माना जाता है कि अगर कोई शिप डूब रहा हो तो उसके पास से जल्द दूर हट जाना चाहिए क्योंकि वो अपने आसपास की चीजों को भी पानी के अंदर खींच लेता है। तो क्या ऐसा हो सकता है? खैर, अभी तक इसमें कोई पुख्ता प्रमाण तो मिले नहीं। इस पर जांच करने के लिए एक छोटी सी बोट पर 9 टन भार रखकर उसे डुबोया गया, लेकिन वहां के आसपास की चीजें वैसी की वैसी ही रही और ये थ्योरी झूठी साबित हुई। लेकिन अगर 50,000 टन वजनी जहाज डूबता है तो शायद परिस्थितियां अलग हो। अब आते हैं बेहद दिलचस्प फैक्ट के ऊपर में। नमक और सांप, स्नेक्स एंड सॉल्ट। कई कैंपिंग करने वाले लोग ये कहते हैं कि अगर आप नमक को अपने टेंट के आसपास बिखरा देंगे, एक सर्कल बना देंगे नमक का, एक रेखा खींच देंगे सर्कुलर वाली नमक की, तो वहां पर कोई भी सांप नहीं आएगा। कई पर्वतारोही इस तरीके का उपयोग करते हैं और कई लोग घर के दरवाजों पर भी नमक को छिड़कते हैं, लेकिन क्या यह वाकई काम करता है? क्या यह नमक वाकई में सांपों को दूर रखता है? इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग किया गया जिसमें एक व्यक्ति ने घास पर नमक से छिड़काव करके एक गोल घेरा बनाया और सांप को उस घेरे के बीच में रख दिया और कुछ ही देर बाद वो सांप उस गोले से बाहर आ गया। कई लोग ये अफवाह भी फैलाते हैं कि नमक से सांप की त्वचा जल जाती है इसीलिए सांप नमक से डरते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। लेकिन अगर आप लीच और घोंघे पर नमक छिड़क देंगे तो ये वाकई में भाग जाएंगे, लेकिन अगर आप सांप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको किसी प्रोफेशनल को ही बुलाना पड़ेगा और ऐसी अफवाहों से दूर रहना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ज्ञान बहुत जरूरी है, इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, और इन्फॉर्मेशन का सबसे बेस्ट सोर्स आज के डेट में इंटरनेट है, लेकिन कृपया अफवाहों से सावधान।
आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको इंटरेस्टिंग लगी होगी। ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे इस पेज के साथ और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। लोगों को बताएं कि सांप और नमक का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।